आपने अभी देखा कि हमारे ये बाड़मेर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आदरणीय जिलाध्यक्ष दिलीप जी पालीवाल भाई साहब हम सभी इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत ही खुशी और हर्ष का दिन है, गर्व का भी दिन है कि आदरणीय ओम जी बिरला एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। हम सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई है। राजस्थान का एक लाल फिर से लोकसभा के अंदर स्पीकर पद पर बैठे, पहले भी वो थे, पिछले कार्यकाल सत्र में भी आदरणीय ओम जी बिरला स्पीकर थे, एक बार पुनः उसी सीट पर आए हैं, तो हम सबको बहुत खुशी है और पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले सत्र में उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए तो आने समय इस सत्र में भी वो एक नई मिसाल कायम करेंगे और जो लोकसभा चलनी चाहिए उस सदन को निष्पक्ष रूप से चलाने में अपना वो पूरा योगदान देंगे, ये हम सभी को विश्वास है। तो हम सबके लिए आज बहुत ही खुशी और गर्व का दिन है। हम सब ने पटाखे फोड़े, हम सब ने मिठाई खाई है क्योंकि राजस्थान का लाल एक बार फिर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर अपना परचम फहराएगा। देखिए डबल इंजन की सरकार है तो निश्चित रूप से बहुत सालों से जो गांव जो शहर वंचित थे विकास से उनमें विकास का कार्य होगा। यहां बहुत सारी कमियां हैं और हर क्षेत्र में कमियां हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे सड़कों की बात कर लें, चाहे पानी की कर लें, बहुत सारी कमियां हैं और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। हम लगातार मंत्रियों से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से, अभी बजट सेशन शुरू होने वाला है 3 तारीख से, तो हमने उसमें बाड़मेर को लेकर बहुत सारी मांगे रखी है जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा को लेकर कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत करना है, कुछ में विज्ञान संकाय शुरू करना है, पीजी कॉलेज है उसमें हमने हिंदी सब्जेक्ट में पीजी शुरू करने की कहा है, और जो हॉस्पिटल है उसके अंदर हम जानते हैं कि यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है लेकिन कैथ लैब नहीं है, MRI की यहाँ व्यवस्था नहीं है, आसपास के किसी भी जिले में नहीं है, तो यहाँ पेशेंट्स को जाना पड़ता है, जबकि मेडिकल कॉलेज यहाँ बाड़मेर में आ गया है, तो वो भी मुख्यमंत्री जी ने पूरा भरोसा दिया है कि आने इस सत्र के बाद इस बजट सेशन में बाड़मेर में कैथ लैब और MRI की सुविधा होगी। सोनोग्राफी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, महीनों तक वेट करना पड़ता है, 1 महीने की वेटिंग है सोनोग्राफी की, तो वो भी हमने मांग की है कि एक और सोनोग्राफी की व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ मरीजों को सुविधा मिले। यहाँ जो बाड़मेर नगर परिषद का परिसीमन होना है, जो आबादी क्षेत्र है और जोड़ने हैं, तो वो आप सबको पता है नोटिस जारी हो गया और आने वाले समय में एक बार फिर से नगर परिषद क्षेत्र का परिसीमन होगा। जो रूडिप है वो अपना काम कर रही है, शहर के अंदर नाले बनाने हैं, जो नालियां हैं उनको ठीक करना है, हम आपको पता है बाड़मेर की सबसे बड़ी समस्या है, तो यहाँ बारिश शुरू होने से पहले कहा और उन्होंने सारे बाड़मेर शहर के लोग सभी आने वाले समय में पता था बारिश होने वाली है तो ये हो गई है, लेकिन जहाँ कुछ नाले बनने चाहिए अभी वो काम बाकी है, तो शर्त है कि जल्दी से जल्दी वो काम भी पूरे करेंगे ताकि यहाँ जो कॉलोनियाँ पानी में जलमग्न हो जाती है बारिश में वो समस्या नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे काम हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो डबल इंजन के रूप में काम करेगी और बाड़मेर के विकास के लिए अच्छा काम करके दिखाएगी।